नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा किस प्रकार से वर्नियर को रीड किया जाता है। ये मेरे पास एक डिजिटल वर्नियर है, इसके द्वारा मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये नीचे जो होते हैं ये होते हैं एमएम, यहाँ से हम एमएम में नापते हैं मिलीमीटर में, और ऊपर जो होते हैं इंचेस में नापते हैं इम्पीरियल में, हम इंचेस में नापेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि एमएम में कैसे नापते हैं, और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ से नापते हैं हम डायामीटर, जो ओडी नापते हैं हम, वो हम यहाँ से नापते हैं। और ये हिस्सा होता है, इसको हम इंटरनल जॉज बोलते हैं, ये एक्सटर्नल जॉज होते हैं और ये होते हैं इंटरनल जॉज, जिससे हम किसी चीज़ का बोर नापते हैं उसको हम इंटरनली ऐसे पकड़ के नापेंगे। सबसे पहले मैं आपको एमएम में नापना सिखाऊंगा। मान लीजिए मैंने इसका बोर चेक करना है, तो इसको बड़े आराम से ऐसे बिल्कुल सीधा रख के ऐसे पकड़ना है, इसको ज़्यादा टेढ़ा नहीं करना है। इसका बोर जो है 36.87 एमएम है। अगर मैंने इसका डाया नापना हो तो डाया यहाँ से नापेंगे। डाया नापने के लिए इसको एक्सटर्नल जो होते हैं वहाँ से इसको नापेंगे, बिल्कुल सीधा रख के, इसको ज़्यादा टेढ़ा नहीं करना है, बिल्कुल आराम से, और ज़्यादा पुश भी नहीं करना है, इसको हल्का सा टच करना होता है। इसका जो डायामीटर है वो है 100.24 के आसपास है, 100.24। और अगर हम इसको, ये तो हो गया एमएम में, इसको अगर हमने नापना हो इंचेस में, तो ये हम इसमें इंचेस में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। आपको जैसे पता ही है कि एक इंच में 1000 होते हैं, 1000, जैसे ये इसके हो गए 395,000 हो गए, इसके 395,000 इसकी रीडिंग आ रही है अगर हम इसको इंचेस में नापें तो। उसी प्रकार से ये इसका ये एक स्क्रू होता है, जिसके द्वारा हम इसको कहीं भी इसको टाइट कर सकते हैं, उसके बाद ये आराम से नहीं हिलता है। दोस्तों इसके द्वारा हम इस बटन से हम इसको ज़ीरो कर सकते हैं, ज़ीरो करने के जैसे कहीं भी इसको ज़ीरो किया जा सकता है, कि यहाँ से ज़ीरो हो गया तो उससे आगे कितना हम लेके जाना चाहे वो लेके जा सकते हैं, कहीं भी जहाँ पर हमने ज़ीरो किया था उससे ये 20 mm माइनस में जा चुका है, लेकिन असल में ज़ीरो यहीं पर होता है, यहाँ पर हमें ज़ीरो करके बिल्कुल साथ में यहाँ से ज़ीरो करके फिर ही इसको नापना चाहिए। ये इसकी मोटाई है 10 mm। और जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये डिजिटल वर्नियर है, इसका लीस्ट काउंट होता है इसका 10 μ। अगर हम इसका लीस्ट काउंट नापें तो ये 10 μ, कम से कम ये 10 μ नापता है। ये देखिए 0.01, कम से कम ये नापेगा, इसका मतलब है 10 μ इसका लीस्ट काउंट है। दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने डिजिटल वर्नियर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को प्रीत मशीनिस्ट को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका धन्यवाद।